संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी। और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकती है। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरअपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी आप ही होंगे। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव, हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज, जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। आगे बढ़ो दुर्योधन। वासुदेव, दोनों पक्ष आपके समक्ष सहायता मांगने आ गए हैं। बताइए, आप किसका पक्ष लेंगे? ये विचारों की सहायता नहीं है गांधार राज, ये युद्ध के लिए मांगे जाने वाली सहायता है, जो मुझसे नहीं द्वारिका से मांगी जा रही। ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विवाद, इसलिए धर्म के नाते दोनों राज्यों के प्रतिनिधि को द्वारिका आना होगा। और जो सबसे पहले द्वारिका आकर मुझसे समर्थन मांगेगा वो महाभारत में मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। कुछ समय पूर्व कन्या पक्ष की ओर से आपने मुझे कुछ भेंट दी थी गांधार राज। ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहेगी वासुदेव। परंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित होने के बाद उन पासों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता।
वैसे ये चौसर का खेल नहीं है गांधार राज। ये एक महायुद्ध है जिसके अंक केवल पौ 12 तक सीमित नहीं रहने वाले। ये खेल बहुत बड़ा होगा जिसका आरंभ शंखनाद से होगा और अंत शस्त्र संधान से। की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधु बनकर नहीं पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। दुर्योधन विवाह की रीतियों को पूर्ण करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। विदा के समय कन्या का पिता वर के पिता के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वासुदेव को प्रणाम करें कदाचित ये दुर्योधन के लिए संभव नहीं। से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। Thank you.
ज्यादा सौभाग्यवती बा। तो ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश जी। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं। इस समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, अस्त्र हरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए, अपनी मित्रता के नाते। उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। आज्ञा दीजिए गांधार नरेश, द्वारिका प्रस्थान करने का समय हो गया है। और हां, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि द्वारिका में सर्वप्रथम मेरे समक्ष समर्थन मांगने कौन आएगा। प्रणिपा, कृष्ण का समर्थन पाने के लिए पांडवों से पूर्व हमें द्वारका पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव कौरव के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो भी, वासुदेव का समर्थन हमें ही मिलेगा। दुर्योधन से पूर्व मैं जाऊंगा वासुदेव के पास। तो ठीक है जय, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भी, तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है और मैं चाहता हूं कि तुम और अर्जुन यहां रहकर अपने अनुजों और द्रौपदी की रक्षा करो। द्वारका के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। पांचाली, मैं आपकी इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहती आर्य, परंतु मुझे ये लगता है कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहां चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहां गया होगा ये? दुर्योधन, दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसकी
पक्ष है, कुछ भी नहीं है, छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। जी जी, यहाँ तो कब ये हाथ जोड़ने पड़ गए? क्रोध पर वश रखो दुर्योधन, ये बौखलाने का समय नहीं है। दुर्योधन संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ शत्रुओं के सामने जुड़ने पड़े ना मामाशी। परंतु अब परंतु ये अंतिम बार था कि मैंने वसुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। अंतिम बार, चलिए वसुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो युद्ध अब समीप है, महायुद्ध आने वाला है, और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा। दुर्योधन, जाना होगा। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं जोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को समर्थन देना है ना? दे दे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? इन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर, ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा, और ना ही वो अपमान, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछे आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तो
तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं।